हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बिल्कुल आसान तरीके से इंस्टेंट मैगी बनाना बताऊंगी, वह भी विदाउट ऑयल के। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें। आप लगभग एक से डेढ़ गिलास पानी को हल्का गर्म हो जाने दें। जब पानी गर्म हो जाए तब इसमें मैगी को हल्का ब्रेक करके इसमें ऐड कर दें। मैगी को इस तरीके से ब्रेक करके डालेंगे तो ये जल्दी बॉइल्ड होती है। जब तक मैगी एक से दो मिनट बॉइल्ड हो रही है तब आप इसमें मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर दें। यहाँ गाजर, कढ़ी पत्ता, एक हरी मिर्च और आधा टमाटर लिया है। इस वेजिटेबल्स को बारीक काट कर ऐड करें ताकि ये जल्दी से बॉइल्ड हो जाए। आप यहाँ पर हरी धनिया और हरा मटर भी ऐड कर सकते हैं मैगी में। वेजिटेबल्स अपने मनपसंद ऐड कर दें। सारी वेजिटेबल्स को इस मैगी के साथ डाल दें ताकि साथ में अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें पानी ऐड कर दें। पानी यदि कम लग रहा है तो इस टाइम आप इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर दें, क्योंकि मैगी पकते टाइम ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। आप इसमें मैगी मसाला ऐड कर दें। मैगी के साथ ही मैगी मसाला आता है। इसमें मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं तो अदर मसाले ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैगी मसाला ही काफ़ी होता है इसमें। मैगी मसाला ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें स्वाद अनुसार हल्का सा नमक ऐड कर दें। नमक कम ही ऐड करें क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक रहता है। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको ढककर मीडियम टू स्लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट पकने दें। आप इसको बीच में खोलकर भी देख सकते हैं कि ये पका कि नहीं। 4 से 5 मिनट में ये हमारी मैगी बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियोज़ देख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।